देश भर में सिंधी समाज का चेटीचंड महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग में भी यह महोत्सव सिंधी समाज के द्वारा भव्य रूप में मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत समाज के द्वारा भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में समाज के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए अतिथि एवं आयोजनकर्ताओं ने मीडिया को कुछ इस तरह से बताया। पावन अवसर है, पावन पर्व है। आज पूरे देश में इस पर्व को बहुत ही उत्साह और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हमारे नगर में भी पूरे हमारे जो सिंधी समाज के जो है पूरे उत्साह के साथ उसको मनाने के लिए आज तैयार है। आज हमारे जो इष्ट देव है भोलेलाल जी, उनका आज जयंती है। उस जयंती के अवसर पर सारे जगह उमंग का वातावरण प्राप्त है। साथ ही साथ हमारे जो राष्ट्र के बहुत ही महान वीर और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे हेमू कलानी जी का, उसका भी जन्म शताब्दी है, इसको भी आज हम सब मनाने के लिए आप उपस्थित है। आज पूरे शहर का भ्रमण किया गया और हमारी युवा से लेकर हमारे जितने बहने हैं, हमारे जितने बुजुर्ग लोग हैं, सबने कल्चर को भाग लिया और देश में सुख शांति की स्थापना के लिए हमारे जो पूर्वजों ने जो रास्ता हमें बताया उस रास्ता में चलने का आज हम सब आप संकल्प लेते हैं और हम सब ईश्वर को प्रणाम करते हैं। समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपस में मिलजुल कर रहे और हमारे जो देश है उसे भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें। हमारे आराध्य जो भगवान झूलेलाल जी के जन्मोत्सव आज, उसके साथ साथ हमारा स्वतंत्र समाज के स्वतंत्र संग्राम सेनानी वीर शहीद हेमू कालानी का भी शताब्दी जन्मोत्सव है 23 मार्च। इन दोनों को मिला के आज हमने संयुक्त रूप से एक आयोजन किया है और इसमें भगवान झूलेलाल के सिंधी दिवस के नाम से और हिंदू नववर्ष के आगमन के उपलक्ष्य में पूरे विश्व के सिंधी समाज द्वारा यह आयोजन संपादित किया जा रहा है। हर जगह ये कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्या उपदेश मानते हैं? हमारा उपदेश ये है, भगवान झूलेलाल जी और वरुण देव का अवतार हैं, जल और ज्योति का अवतार हैं, है ना। तो जल और ज्योति का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उनका बहुत ही सम्मान रहा है, इसीलिए जल और ज्योति की पूजा अर्चना के साथ साथ हम ये संदेश देना चाहते हैं, समाज में भाईचारा रहे, पूरे विश्व में कल्याण हो, अच्छा माहौल रहे, आपसी भाईचारा बना ही रहे। हमारे सिंधी समाज में ये शताब्दी दिवस मनाया जा रहा है हेमू कालानी दिवस का, इसलिए हमने थीम भी तिरंगा रखी है, जिसमें की रैली का आयोजन किया गया है। कल प्रभात फेरी का आयोजन किया गया था, आज शाम को भी जुलूस की व्यवस्था है। शिवनाथ नदी में 11,000 दीपों का एक साथ हमारे समाज के द्वारा आयोजन किया गया है और कल 24 तारीख को रात को 9 बजे मैदान में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि हमारे भारतीय सिंधु सभा महिला इकाई, सखी सिंधड़ी महिला इकाई, हम लोग सब शामिल हैं दुर्ग के लोग। बहुत ज्यादा हमारे गले की आवाज बढ़ गई, इतना ज्यादा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे भगवान इष्ट देव भगवान झूलेलाल जी का जन्मोत्सव है और ये जन्मोत्सव जो है हम बड़ी धूमधाम से और आध्यात्मिकता के से बनाते हैं। इसमें हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि विश्व में शांति की स्थापना हो। पूर्व में जब हिंदू धर्म पे आक्रमण हुआ था उस समय भगवान झूलेलाल जी का अवतरण हुआ था हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। मूलतः हम लोग हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के प्रचार के लिए और हमारी समाज में हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, प्यार बनाने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग पूरे समाज में बच्चे बूढ़े महिलाएं युवा सब मिल के सामूहिक रूप से भोजन करते हैं, सामूहिक रूप से भक्ति भाव से भगवान से आराधना करते हैं और इस साल हमने इस स्तर को बढ़ा के लिए पूरे हिंदू समाज को हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिवनाथ नदी तट पर महाआरती का आयोजन किया गया है और इस महाआरती में हमारा जो लक्ष्य है, हमारी मूल भावनाएं है और हमारा जो संकल्प है, वर्तमान समय जो पृथ्वी जल रही है, दुख और अशांति का वातावरण है, उसके लिए भगवान से विशेष प्रार्थना करनी है कि प्रभु अब ठीक हो गया, आके हमारी रक्षा कीजिए, हमारे धर्म की रक्षा कीजिए, इस धरा को स्वर्णिम बनाइए, स्वर्ग तुल्य बनाइए, मानवता का विकास करने के लिए हमके शक्ति दीजिए,
तो हम अपनी संस्कृति का बढ़ावा दे सके। पहले तो सभी साथियों को मेरा नौ वर्ष नवरात्रि और झूलेलाल जयंती की सभी को बधाई हो। इस साल हमने श्री झूलेलाल भगवान का 1073वां जन्मोत्सव मना रहे हैं। इसी खुशी में हमने प्रोग्राम को 3 दिन निर्धारित किया था। पहले दिन हमने सुबह प्रभात फेरी निकाली, कल 22 तारीख को रात को हमने सब सिंधी समाज के सभी ने मिल के एक अच्छे से डीजे में नाचे सब, ताकि हम अपने भगवान झूलेलाल देवता को याद किया अच्छे से। और उसके बाद 23 तारीख आज सुबह हमने बाइक रैली निकाली है। उसके बाद हम यहाँ पे आजू बाजू जितने भी आश्रम हैं जिनसे हमारा संपर्क है, उन्हें हम हर साल की तरह इस साल भी भोजन पहुँचाते हैं। उसके बाद यहाँ पे भव्य भंडारा होता है जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं, आ सकते हैं। उसके बाद शाम को शोभा यात्रा निकलती है, उसमें हमारा बाराना साहब होता है जो हमारे झूलेलाल भगवान के प्रतीक है। उन्हें इस साल हमने आयोजन थोड़ा बड़ा करके उनका विसर्जन हम शिलान नदी में करें जहाँ पे महाआरती का आयोजन किया गया है, वो बहुत देखने लायक है। उसके बाद 24 तारीख को हमने रात को सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रखा है जहाँ हमारे समाज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे ताकि उनका हुनर बढ़े और आगे आके हुए उनको प्रोत्साहन मिलेगा। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि एकता में सबसे बड़ी ताकत है। जैसे हमने इस साल प्रोग्राम किया है, ये अकेला किसी समिति का नहीं है, एक समाज का है। जैसे बाबा गुरमुख दास मंडल है, सद्दानी मंडल है, SSG युवा मंडल है, सखी बाबा मंडल है और सिंदूरी सेवा समिति भी है और समाज भी है। तो हमारी तरह हर समाज वाले मिलकर त्यौहार मनाएं जो कि एक पर्टिकुलर किसी एक समिति का नहीं, पूरे समाज का है। यही मैं मैसेज देना चाहूँगा और हिंदू वर्ष की सबको फिर से एक बार बधाई। आइए देखिए कुछ झलकियाँ। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल।